जम्मू डिप्टी कमिश्नर कुलदीप कृष्ण सिन्हा का कहना है कि मौजूदा माली साल के खिताम पर कश्मीर में तमाम पीएम पैकेज मुलाजमीन को माकूल रिहायशी सहूलियात पोस्टिंग के लिए भी काफी इकदाम उठाए गए हैं। मतन अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान उन्होंने न्यूज 18 JKLH के साथ खास बातचीत में इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट्स के लिए वोटर लिस्टों में इंदिराज और डोमिसाइल जैसे मसाइल दी गई हैं। टोटल पीएम पैकेज जो है वो पैकेज है, उसमें से लगभग 5200 के करीब एम्प्लॉयज अपॉइंट हो चुके हैं और 250 के करीब ऐसे जो अंडर प्रोसेस वेरियस स्टेज ऑफ प्रोसेस में है। और सब मांग रही है वो एकोमोडेशन की मांग रही है, काफ़ी रीजंस भी हैं उसकी। और आपको मालूम है कि 6000 एकोमोडेशन वन गो में तैयार नहीं हो सकती क्योंकि लैंड प्रोक्योरमेंट के सारे इशूज थे। लेकिन आपकी वसादा से मैं ये कहना चाहूँगी हर डिस्ट्रिक्ट में आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है और बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारे पास 6000 अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करके यहाँ पर अब टोटल 896 फ्लैट बन रहे हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो बाकी रिश्व में बने हुए हैं, शोपियन में आलोपुर हमें बन रहे हैं, कुलगाम का ही था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि अप्रैल से हम लोग यहाँ पर अलॉटमेंट स्टार्ट कर देंगे और कि उसमें तो लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं कहीं पर अब भी लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए क्या कोशिश रहेगी आपकी? देखिए आप भी कर दिया गया और एज ऑन डेट जब हम बात करें आज की डेट में सारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज भी कश्मीर वैली में भी, इवन नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज भी जो कश्मीर माइग्रेंट है वो लोग भी यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। तो अगर इंडिविजुअली कोई किसी की अगर कोई ग्रीवेंस है, मैंने अपना ऑफिस भी इंदिरा नगर में खोला है कि हम लोग यहाँ पर हर महीने आते हैं।